तो स्वागत है आप सबका एकदम नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सब लोगों को जैसे पता ही कि लॉकडाउन चल रहा है, 10-1 दिन हो चुके हैं और इस कारण बैठे हैं घर के अंदर, कहीं जा तो सकते नहीं। एक छोटी छोटी सीरीज़ ला रहा हूँ, 2-2, 4-4 मिनट की, कुछ कुछ कंट्रियों की। वो वीडियो आप लोगों के लिए आप देखें, एंटरटेनमेंट, अगर आप सब घर में बंद हैं, क्योंकि हम तो अभी बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो अभी यही है जो भी है हमारे पास, जितना मेरे पास अभी जो मेरे पास अभी पड़ा है, मतलब वीडियोज़ पड़े हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वो जितना भी हो सकता है वही अभी फ़िलहाल रहेंगे। अभी यही आएंगे कुछ टाइम तक, क्योंकि आगे के प्लान्स अभी नहीं बन पा रहे हैं। और फिलहाल तो अभी बन रहे हैं दिन के करीबन 4, और देखते हैं स्वेना क्या कर रही है। स्वेना ना केक बनाने वाली है। स्वेना केक बनाओगे ना आज? आज बनेगा केक, और स्पेशल बात इस केक की ये है कि ये पार्ले जी से बनेगा, तो इससे स्पेशल बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। पार्ले जी का बनाओगे? यही तो स्पेशल है कि पार्ले जी से, मतलब मैंने सुना है पार्ले जी से चाय के साथ पार्ले जी खाते हैं। पार्ले जी वाला बनाती, फिर पता चलेगा। तुम्हारा दिमाग, पार्ले जी वाला केक बनेगा, और कैसे बनेगा ये बताएंगे आपको, और खाने में कैसा होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो फटाफट से तैयारी करो सेना, ताकि हम लोगों को दिखाएं कि पार्ले जी वाला केक भी होता है। आप थोड़ी हेल्प करा दो आके, तो फटाफट हो जाए। चलो मेरी क्या है, मैं तो तैयार हूँ। अभी बन रहे हैं पार्ले जी के, पार्ले जी बिस्किट से केक, और मतलब इसको क्या नाम दें, पार्ले जी केक नाम दें है सोना? तो पार्ले जी केक बन रहे हैं, और अभी क्या प्रोसेस है ये सोना बताएगी, क्योंकि 5 पैकेट तो वहाँ रखे हुए हैं, 5 बिस्किट के पैकेट हैं आई थिंक। सोना इसमें क्या क्या चाहिए होता है ज़रा बताओगे तुम? नथिंग, मिल्क, बेकिंग पाउडर एंड बिस्किट। क्या क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, मिल्क तो ऑब्वियसली, बेकिंग पाउडर, पार्ले जी के बिस्किट, बस और हाँ तो शुगर तो यार उसके बिना थोड़ी ना होगा। नहीं, तो क्योंकि ऑलरेडी मीठे होते हैं इसलिए कई बार नहीं। अच्छा चलो, ये सब प्रोसेस चाहिए। मैं टूटने दो, कैसे चूरूंगा मैं? ये बेसिकली बाउल है कि देखो इसके अंदर क्रंच करेंगे, इसको क्या बोलते हैं बताओगे? ये जो चाय में पत्ती कूटते हैं ना वो है ये। ऐसे चर्म कर दिए आपको बताता हूँ। अरे यार दिखाने के वास्ते ना, ये डालने से पहले ये देखो, ये इस तरीके से चर्म कर दिए पीस पीस के, आप मतलब पीसेस पीस कर चौना कीमा बना दिया एकदम। और अब इसको मिक्सी में रख रहे हैं, फिर मिक्सी में रख के क्या करेंगे इसको एकदम, क्या करेंगे सर ना, मिक्सी में क्यों कर रहे हैं, चर्म करेंगे मिक्सी में इसको एकदम, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस। चलो बनाओ। कोई बोल नहीं सकता कि ये पार्ले जी, ये पार्ले जी बिस्किट का हाल, पूरा कीमा कर दिया इसका, और इसको वापस करेंगे क्रश, एकदम बारीक करेंगे। बस पूरा हो चुका है, और आप सेना बताएगी इसमें कैसे क्या प्रोसेस करेंगे। सेना जरा बताओ डिटेल में कि आप तुम कैसे बता। तो अब क्या चरण हो गया पूरा? आप शुगर ऐड कर रही हो? ये तो शुगर ऐसे कैसे ऐड कर रही हो, मतलब शुगर को अलग ऑयल में डालना है? अच्छा नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। अरे मैंने बनाया ना तुम्हें एक बार बनाया था, याद नहीं क्या? आइसक्रीम और ये रेडी हो गया, ये ऐसा लग रहा। हाँ तो फिर कैसे बोल रहे हो कि तुमने बनाया? मैगी भी तो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, मैगी भी तो बनाई थी मैंने। जल्दी जल्दी बनाओ यार, अब केक के लिए ज़्यादा वो मत करो। चीनी डाल दी है, अब क्या करोगी चीनी डाल के? ये दूध आ गया है ना, लो तो अब ये इसमें डाल दिया है। ओहो चीनी पहले डाली, फिर उसके ऊपर ये डाला क्रश हुआ हुआ पार्ले जी का, और अब दूध डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे, फिर और क्या डालना बाकी है इसमें? बस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्यों? मतलब सोडा की फ्लफीनेस सोडा। अच्छा ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कितना दूध लग जाता है इसमें करीबन? हां करीबन डिपेंड करता है क्वांटिटी के हिसाब से, नॉर्मल क्वांटिटी, एवरेज की वाली क्वांटिटी का देखना। मैंने जैसे ये 4 पैकेट लेना, हां
तो हाफ लीटर दूध लगेगा इसमें। हाँ। करेंगे बेकिंग, बेकिंग सोडा। ये देखो आप, ये बन चुका है, इसमें दूध डाल दिया था, अब बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें। और ये एक चम्मच डालना है ना? नहीं नहीं, थोड़ा हाफ से हल्का कम। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है केक की तैयारी, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसको ओटीजी में रख देंगे, है ना? डाल रहे बेकिंग सोडा, मतलब दोनों चीज़ें डालनी होती है, दोनों चीज़ें डालनी होती है इसमें। इसको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन बन अच्छा गया है, लुक देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कितनी देर तक इसको करना होता है, इसे मिक्स करना होता है जब तक? और अब इसको जो है हम निकाल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इसको शेप में, है ना, शेप में लाने के लिए। इस कंटेनर में इसको डाल दिया है। बस हो गया, अब इसको अंदर रख देंगे ना। लेवल पे आ गया, बहुत बढ़िया। अब 180 डिग्री टेम्परेचर पे इसको सेट कर दिया, मैं अब केक अंदर रख दिया है बेक होने के लिए। तो कितने रखा है ना इसको, कितने का? 45 मिनट्स बाद ही केक रेडी हो जाएगा हमारा, बेक हो जाएगा। तो बेक हो जाए एक बार, फिर हमारा रेडी हो चुका है। दिखाओ भाई, क्या अच्छा लग रहा है, ठंडा हो गया क्या? गर्म है तो बहुत तेज, कब खा सकते हैं इसको? ठंडा होने के बाद। अच्छे से जो केक बन के तैयार हो चुका है, और इसका पीस खा लेते हैं जरा, कैसा है? तो सुना टुकड़ा तो दो उसका, थोड़ा आ रहा था। अरे आप तो अभी खाए थे पीस। बहुत ही शानदार है, ये देखो। बहुत अच्छा। तो ये था आज हमारा केक मेकिंग वीडियो, पार्ले जी से केक कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक केक ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।